ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। जिंदगी दो दिन की है, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ कर्म ऐसा, ओ शान इस जहां पर, श्वासों का क्या भरोसा। कैलाश पर कबूतर चुन रहा था और मीटिंग थी भोलेनाथ के यहाँ देवताओं की। विष्णु आए, अपना गरुड़ बाहर छोड़ा, अंदर चले गए। यमराज आए, अपना भैंसा छोड़ा, अंदर चले गए। कबूतर बड़ी प्रसन्न मुद्रा से चुन रहा था। इतने में यमराज की निगाह पड़ी कबूतर पर तो मुस्कुराए। कबूतर लगा थर थर कांपने। गरुड़ ने कहा, भाई अभी तो तुम बहुत खुश था, अब क्यों कांप रहा है? बोले, यमराज ने मुझे देखा और हंसे मुस्कुराए। यमराज की मुस्कुराहट माने मौत। वो लौट के आएंगे, हमको मार देंगे। गरुड़ जी, आप पक्षियों के सम्राट हैं, मेरी रक्षा करें। बोले, कैसे करूं? बोले, भगवान कहीं छोड़ दे दूर हमको। गरुड़ मन की गति से चलने वाला पक्षी, चौंच में उठाया और विंध्याचल की एक पहाड़ की गुफा में छोड़ दिया। अब ठीक? बोले, बिल्कुल ठीक। और एक ही पल में आके बैठ गए। मीटिंग खत्म हुई थी, यमराज बाहर आए। बोले, गरुड़ जी, यहाँ एक कबूतर चुन रहा था। बोले, भगवान वो आपको देखकर डर गया था कि मुस्कुराए। यमराज की मुस्कुराहट माने मौत, आएंगे तो मार देंगे। बोले, हमको बचा लो तो भगवान मैं विंध्याचल की गुफा में छोड़ आया हूँ। तो बोले, गरुड़ जी, हमें इसलिए हंसी आ गई कि बुढ़ोत्तम ब्रह्मा की बुद्धियों भ्रष्ट हो गई। पता नहीं जीवों के तकदीर में क्या क्या लिख देते हैं। उसके तकदीर में लिखा था, अब से ठीक एक मिनट बाद विंध्याचल की गुफा में इसको बिल्ली खा जाएगी, इसलिए हंसी आ गई। वो जन्म भर उड़ी तब वो विंध्याचल में पहुंच पाई। कहाँ कैलाश का शिखर, कहाँ विंध्याचल। गरुड़ दौड़ के गया तो पखने पड़े हुए थे, बिल्ली खा गई और पहुंच भी गया वहां पर। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म सुभा सुभा, अवश्य भोगना पड़ता है। मौत जब आती है तो पाँव के पन ही काल है, सुंदर सैया काल है, सुंदर भोजन काल है। औषधि लेके डॉक्टर कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो काल है खड़ा है। इंदिरा के 250-300 का पैरा लगा था, वो भी काली खड़ा था। राजीव गांधी के फूल माला का,
काल से कोई कैसे बचेगा? काल से बचने का एक उपाय है, एक भगवान की शरण, जो पे कृपा रघुपति कृपालु के बैर और के कहा सरे होइन बाको बाल भगत को जो कोई कोटि उपाय करे। तो जिंदगी में सांसों का किराया, संस्कार का, जिस क्षण अंतिम संस्कार इस जन्म इस योनि का जिस क्षण पूर्ण होता है उसी क्षण किराया खत्म, दूल्हा घोड़े में चढ़े चढ़े गिर पड़ा मर गया। इसलिए जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जीवात्मा कभी नहीं मरती, अजर अमर है, परमात्मा का विशुद्ध अंश है, लेकिन इस शरीर की आयु का जब तक संस्कार है तब तक उछलो कूदो, मजहब बनाओ, संप्रदाय बनाओ, बड़ा बनो, छोटा बनो। जिस क्षण पूरा हो गया तो किराया खत्म हो गया, इस जन्म का कारण खत्म हो गया, बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे महाराजा धीराज हुए, रतन जड़ित किवाड़, सोने की दीवारें, लोहे के परकोटे और सलभ सैकड़ों फिट लंबी दीवार, चीर की दीवार मशहूर है। वो राजा अपना प्रबंध तो किया था, ऐसे रावण ने वो समुद्र का परकोटा, फिर सोने के घर और वज्र के दीवाले दरवाजे, लेकिन एक पल में चला गया। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल भर में सोने की लंका। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सोना को गर्म करो तो बहुत देर में गर्म होके पिघलेगा, मिट्टी का मकान भी देर में गर्म होता है, और एक पल में सोने की लड़का सब, पलक ऊपर गई नीचे गई सब, ये एक प्रश्न है। मौत का जब डंका बजा फूंक दिया पल भर में लंका, कर गई मौत रावण को फंका, ऐसे तुझको भी जाना पड़ेगा, ऐसे तुझको भी जाना पड़ेगा, पड़ेगा ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक से एक रईस आते हैं। अब किसी समय तूती बोल रही थी, इस टाइम लड़का गडुली डकेलत। अलग चंद्र सिंह पधारे थे, कहला बोले हो क्या गया, दर्द है? बोले दर्द कहीं नहीं है, मोटापा बढ़ गया है। चला हम तरस गए मोटा हुए के, मोटापा हो दुश्मन। शाम के बाद ऐसा नहीं कि सदैव तुम दरिद्र रहोगे, मौत सदा तुम्हारी पीछा करेगी, असंभव, उससे बचने का उपाय है। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, तुझको फूलों पे चलने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा,
पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। शाम है, जगत रूपी रात्रि को शाम कहते हैं, इसलिए प्रकाश को दिन कहते हैं। ए जग जामिनी जागे योगी, परमारथी प्रपंच भी योगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशः सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, संयमी पुरुष जाग जाता है। संयमी पुरुष जाग जाता है, सब अचेत पड़े हुए हैं, दीर्घ निद्रा में, गाढ़ निद्रा में, रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं। हम रात्रि में क्यों फंसे हैं, इस रात्रि में घुमा के हमें खड़ा कौन करता है? मोह, मोह निशा सब शोभनी हारा, देखे ही सपने अनेक प्रकार। तो शाम है हमारे सामने, जगत रूपी रात्रि का अंधेरा है, इसलिए प्रकाश जीरो है नहीं, लेकिन अवश्य होगा, इसलिए प्रकाश मिलेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। दिन सुहावना दिन देखना हो, परमात्मा ज्योतिर्मय ऐसा ज्योति न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मोमे। सहज प्रकाश रूप उन परमात्मा को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, न चंद्रमा ही कुछ उजाला दे सकता है। वो करोड़ों सूर्य जिसके सामने जुगनू के तुल्य है, वो परमात्मा ज्योतिर्मय है। यदि उस प्रकृति के अंधकार से निकलकर उस सवेरे को देखना है, सुनहरा दिन देखना है, एक काम करो, तुझको फूलों पे चलने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। मीरा साधारण नहीं थी, भारत के सर्वोपरि सम्राट उस समय के राणा सांगा की पुत्र वधू थी। नवलखे हार तो मारे मारे फिर रहे थे, दासियों को दे दिया, बीना ले लिया, संतों का कपड़ा पहन लिया और बीना की तंदूरे की मजीने की ठनक भर सुन ले तो चब रोटी में हाजिर, डुब रोटी में हाजिर, सास आग बबूला हो गए, कुल में कलंक पैदा हो गए। अरे महारानियों को अपने मेल जोल के लोगों में उठना बैठना चाहिए, इज्जत भी तो कुछ कहलाती है। आज कुए किले ध्वस्त हो गए, कहाँ गई वो इज्जत? दुनिया में तो कोई शाश्वत होता ही नहीं। अंत में एक ननद थी और एक भोजराज राणा की मृत्यु हो गई तो दूसरा राणा बना, उसने सूली की सैया विश्वभुजी किले पलंग पर सजा के ऊपर फूल बिछा दिया, जहाँ चुभ जाएगी तो मर जाएगी। उसने गले में हार भगवान की माला की जगह सर्व, वो भी काला साफ, एक बार छू दे तो राम नाम सत्य, जिसका प्याला बोले भगवान का चरणामृत से माथे लगाया पी गई, विष अमृत में बदल गया, सर्वभार हो गया और सुली सैया हो गई भगवान की। मृत्यु जीवन में बदल गई, आज मीरा को दुनिया जानता है और कुरवंती सास को कोई नहीं जानता। तो संसार का कुल क्या है, जहाँ जन्म गए वही कुल,
और क्या, ज्ञान के पंख कृपाण के धारा गिरते खबरिए सुन ला कई बार, गिरते एक पल नहीं लगता। प्रहलाद को सूली मिली, प्रहलाद को समुद्र में फेंका, हाथियों से कुछ गाया। और दो गुरु बाबा थे शुक्राचार्य के लिए संडमुंड, संड और अमर, उन्होंने कहा राजन बेफिक्र रहिए, हम यक्ष नहीं छोड़ के मरवा देंगे। प्रहलाद बैठे ही रह गया, गुरु जी दोनों मर गए। अब शुक्राचार्य कोई शस्त्र से मरा जिला सकते थे, लेकिन भगवान के अस्त्र से मरा उसको शुक्राचार्य नहीं जिला सकते थे। बैठे रो रहे थे बुखार छोड़ के, हाय बेटा अमर, हाय बेटा सुंदर। प्रहलाद की दृष्टि पड़ी तो बोले वाले अभागे प्रहलाद, गुरु के हत्यारे मैं, प्रभु कृपा करे मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा गुरु की हत्या करके। वो जी गए। तब शुक्राचार्य दौड़े, बेटा संड, बेटा अमर, भले दूर रहो, आपका बेटा तो मर चुका है, हम तो प्रहलाद के शिष्य हैं। असुर थे, असुरों के गुरु थे, असुरों को असुराई पढ़ाने वाले थे, वो संत हो गए। अंत में हिरण्यकश्यप ने जो जाल बना उसी में उलझ के खुद ही ठंडा। तो फूलों में भगवान ज्ञान के पंथ कृपाण के द्वारा, ये कपड़े रंग लेने का नाम सदवाई नहीं। अब जो कोर्स करना है साधना, वो कृपाण के ध्यान का चलना है। कोई तीन अक्षर करके धंधा करने लगता है सदा, कोई कुछ करने लगता है, कोई कहता साधु कहो तो ठीक, नहीं कहो तो महाराज। अरे दूत के, अवधूत के, राजपूत के, जुना के, मान विघड़ित का है, ये तो उसका मानसिकता का, भगत के मन का स्तर का नमूना है जो कुछ कह रहा है। वो दया का पात्र है, क्रोध का नहीं। इसी का तो सुधार करने में बाबा होते हैं। तुझको फूलों पे चलने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। तुम सोचते हम जवान है, मुशक चढ़ा है, राष्ट्रपति हमारे रिश्ते में है, जो जो डीले हाकत हो मैं नहीं मालूम, दरोगा जी हमारे दरोजी के साथ हम चाय पीते हमको समझते क्या हो, जो जहां नहीं पावा एक बाबा या आए तो बोले हमें नहीं समझते मैं कौन हूँ, मैं प्रधान का भतीजा हूँ, हम बोले आओ भाई प्रधान जी का भतीजा। पता नहीं लाखों प्रधान है कोने का भतीजा, बड़ा अच्छा साधक है। इस टाइम वो ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। जब कोई बिगड़ा ही नहीं तो तुम करोगे क्या, गाड़ी बिगड़ी नहीं तो कारखाने में क्यों ले जाओगे, इन्हीं के लिए तो संत होते हैं। ये जवानी, लेकिन हमें भजन करने नहीं देती जवानी। जवानी मतलब शरीर की ही नहीं, संपत्ति की जवानी, परिवार के बड़प्पन की जवानी। ये जवानी है दो दिन का सपना, तब करें क्या, दो दिन में खत्म हो जाएगी। मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, ये भी एक रोग है। ये जवानी है दो दिन का सपना, हमारी उम्र जब 35-36 साल थी, और जब बुजुर्गों को हम देखे अर अर करके उठे, वैसे ही बैठे, हम बोले यार हाथ पांव तो टिप टाप है, अर क्यों करते हैं। हमें ऐसा भान था हम कभी बुढ़े नहीं होंगे, आज डंडा ठोक के चले कर पड़े थे, पता नहीं कब ढल गई।
देखत ही आई बिरुधाई, जो ते सपने उन्ना ही बुलाई। ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले जल्द राम को अपना। अपने राम को जल्दी ढूंढ लो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जो उम्र कमाने खाने की है वही भजन करने की है। जब आँखों से कम दिखाई देने लगा, बैठ गए तो उठना मुश्किल, उठ गए तो रास्ता चलना मुश्किल, क्या भजन करोगे? सुबह याद है दोपहर को भूल गया, तब कैसे भजन करोगे? जो उम्र कमाने खाने की वही भजन करने की है। लड़कों को चाहिए आज से भजन शुरू करो। लेकिन भजन कोई करता नहीं, संस्कार का जब स्तर उठता है तो भगवान करवा लेते हैं। आज का ही क्षणिक संस्कार कल भजन बन के सामने आ जाएगा। क्यों? भजन की शुरुआत ही सत्संग से होते हैं। भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोई पावई प्राणी। प्रथमे भी प्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। विप्रचरण से तो शुरू होता है। अगस्त, नारद, श्रृंगी ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ और केवटिन के लड़के व्यास, कोल किरात बाल्मी, बक्से में मिला पड़ा मिला था, भरद्वाज ऋषि मिले थे, सब ब्रह्म ऋषि हो गए। मनु के सगे भाई सप्तऋषि ब्रह्म ऋषि हो गए। इसलिए भजन करने के लिए भगवान की शर्त केवल एक, अनित्यम असुखम लोकमिमम प्राप्य भजत्समाम। सुख रहित क्षण भंगुर, किंतु दुर्लभ मानवतन को पाकर मेरा भजन कर। भजन का अधिकार उन सबको है जिन्हें मानवतन उपलब्ध है। रही बात पाप की, अर्जुन अपिचेतसु दुराचारो, अत्यंत दुराचारी। उंगली माल और वाल्मीकि के उस्ताद क्यों नहीं हो दुराचार में, जिन्होंने लाशों की ढेर लगा दी थी। गीतों के साथ न समझ कर लगता है अपिचेतसु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग, अनन्य माने अन्य ने। मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवताओं ने भजते भजता है वो साधु रेव से मंतव्य है। समझ विवस्थित हो इसे, साधु मानने योग्य है। क्यों? कि यथार्थ निश्चय से लग गया है। यथार्थ जो सत्य है, जो तत्व है, जिसे बनना चाहिए, जिसकी तुम अंश हो, उसका निश्चय वहाँ लग गया है, भटकाव खत्म हो गया। इसलिए साधु मानने योग्य है। किन्हीं अंशों में साधा है, इतना ही नहीं वो दुराचारी। श्री प्रभुति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति, कौन ते ये प्रति जाने ही नमे में भक्त परस्ति। शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। धर्म अपरिवर्तनशील है। चांद बदल जाए, सूरज बदल जाए, धरती बदल जाए, धर्म नहीं बदल सकता। जो ये बदले वाला धर्म आपके पास एक फितूर, एक लकीर, एक रूढ़ी पीछा कर रही है। और भजन का अधिकार उन्हें अर्जुन, सृष्टि के सारे पापियों से अधिक पाप करने वाला तू तो गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। आज भारत की दशा ये है, औरतें भजन नहीं कर सकती। दूसरी दशा ये है, शूद्र भजन नहीं कर सकता।
तो 68% शूद्र भजन नहीं कर सकते। मंदिर और भजन कहाँ रखा? मंदिर के अंदर। पुजारी को जो ब्राह्मण को मंदिर का पूजा करके मोक्ष प्राप्त होता है, ठाकुर को डंडा लेके और फहरा देने से होता है, और वैश्य को धन देने से होता है, शूद्र को शिखर दर्शन से होता है। शिखर तो उस पहाड़ी से हम देख लेंगे, वो आश्रम दिखाई देता है। क्या उपदेश है, क्या साधना है? हम कहते हैं आखिर रूढ़ी नहीं तो है क्या? भगवान कहते हैं स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु में वैश्य उद्धार करने वाला होता है। ये कहते हैं अगले जन्म में भजन करें, इस जन्म में नहीं करें। दुनिया की सारी रूढ़ियाँ इससे है, ईसाई इसी जन्म में अधिकार देता है, मुसलमान इसी में देता है, दुनिया इसी में देती है, हिंदू अगले जन्म में। 68% हुए गए, 60% औरतें गई। जय हो धर्म की और धर्म गुरु की। अब तो समझ जाओ, आप पढ़े लिखे हो, गीता ले लो, गांव में प्रत्येक गांव में अखंड पाठ करो, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, गीता ही पढ़ा देगी कि धर्म की, फिर कोई बनवा नहीं सकता।